म्यूजिक। क्यों चैन मुझे पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। ओके गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप भी कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलाइन मोशन ऐप की जरूरत है। आपके पास एलाइन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइन मोशन ऐप का लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वहां से नहीं हुआ तो गाइस, आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जा सकते हैं। वहां से आप एलाइन मोशन मोड एपीके डाउनलोड ऐसा करके सर्च करते हैं तो जो लिंक आएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। गाइस, एलाइन मोशन ऐप ओपन करना है, फिर यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ फोटो को यहाँ से एडिट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और जिस फोल्डर पे आपका फोटो है वो सभी फोल्डर यहाँ पर शो है तो जिस फोल्डर फोटो उसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से एक फ़ोटो चूज करना है, फिर ऊपर 3 डॉट पर जाके फिल कंपोजिंग एरिया करना है, फिर इस 4 आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर कुछ थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव आइकन दिखाई देगा, फिर सेव कर लेना है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से आपको 4 या 5 फोटो को यहाँ से एडिट कर लेना है। मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर ऊपर 3 डॉट पर जाके फिल कंपोजिंग एरिया कर लेना है, फिर इस 4 आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम है सीएनजी पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है गाइस, फिर सेव कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप 4 फोटो को या 5 फोटो को कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सभी फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लिया, फिर आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसको आप डिलीट कर लीजिए पहले। फिर आपको ये सॉन्ग बीट मार और इफेक्ट इस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके एलाइन मोशन में इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद यह आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 9:16 साइज फोटो 1, यहाँ पर 6:16 सेकेंड पर यहाँ पर आपको टैप करना है। फिर आपको यहाँ पर एडिट ग्रुप पर आना है। एडिट ग्रुप पर जाने के बाद ये बहुत सारी लेयर है तो एक ही बार में हम यहाँ से फोटो एडिट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पर आपका जिस फोल्डर फोटो है उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेना है। चूज करने के बाद आपको डबल आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करके फ़ोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से इस आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर करना है। सेलेक्ट ऑल लेयर करने के बाद फिर से इस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट लेयर पर क्लिक करके सारी को अनटिक करके सिवाय ये जो फास्ट है उसको आप टिक रखिए, फिर सारी को अनटिक कर दीजिए, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपली से यहाँ पर फोटो ऐड हो गया। तो गाइस, यहाँ से आपको सिंपली एक ग्रुप में फ़ोटो ऐड हो गया। तो फिर से आपको नेक्स्ट जाना है, एक ग्रुप सॉरी यहाँ पर फोटो 2, तो यहाँ पर टैप करना है आपको। एडिट ग्रुप पर जाना है। एडिट ग्रुप पर जाने के बाद यहाँ से आपको कभी कभी आपको वो जो पहले तरीके मैंने बताया वो पेस्ट स्टाइल किसी का फ़ोन में मैंने कभी कभी फ़ोन में काम नहीं करता, तो इसके लिए मैं और एक तरीका बताऊँगा। यहाँ पर आपको लेयर पर टच करना है, फिर कलर एंड फिल पे आना है, फिर स्टार आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको कोई अलग फोटो ऐड करना है तो यहाँ पर चूज करना है और प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो सेम तरीका से यहाँ पर दूसरे लेयर पर टच करना है तो यहाँ पर भी कलर एंड फिल पे आना है, स्टार आइकन पे क्लिक करना है, फिर से एक फ़ोटो को सेलेक्ट करके प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर सेम तरीके से आपको कलर एंड फिल पे आना है। यहाँ से आपको एक ही ग्रुप में आपको एक ही फ़ोटो ऐड करना है, मतलब जितने भी ग्रुप है उस सभी ग्रुप में एक ही फ़ोटो ऐड करना है। तो ये जो तरीका है ये एक एक करके आपको फ़ोटो ऐड करना पड़ता है और टाइम भी आपको वेस्ट होगा। तो वो जो तरीका है पहले तरीका वो मैंने अच्छा लगा तो वो भी अप्लाई करना। तो कभी कभी किसी फ़ोन में आपको पे स्टाइल काम नहीं करता, इसीलिए मैंने इस तरीका आप लोगों को बता दिया। अब जो भी तरीका आप अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप 3 पे टैप करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, वो जो पहला तरीका मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। तो वैसे यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर इस डबल आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक करके फ़ोटो को
डिलीट कर देना, फिर से इकॉन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर करना है, फिर पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके या सारी कॉन टिक करके सिवाय एक के फिर पेस्ट कर देना है। तो गाइस सिंपली यहाँ से आपको बैक कर देना है, चले जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप पर, यहाँ पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पर आना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी लेयर है। तो गाइस यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से एक फ़ोटो आपको चूज़ कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर जाने के बाद कॉपी लेयर करना है, फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, सेलेक्ट ऑल लेयर करने के बाद यहाँ पर पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके यह सारी को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी ग्रुप था सभी ग्रुप में मैंने फ़ोटो ऐड कर लिया। तो सिंपली यहाँ से आपको बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद आपको इफेक्ट पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करने के बाद इस आइकॉन पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, और जो लास्ट फोटो है उसको आप अनटिक करेंगे, फिर इस आइकॉन पर क्लिक करके कॉपी ऑल लेयर पर क्लिक करके यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करके सॉन्ग बीटमैप पर चले जाएंगे, सॉन्ग बीटमैप पर आ जाने के बाद इस आइकॉन है इस पर क्लिक करके पेस्ट एड लेयर पर कर देंगे। पेस्ट एड लेयर कर देने के बाद आपको इस वीडियो रेडी हो गया, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उस शेयर आइकॉन पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और आप हमारे चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा इस बात पर कमेंट भी कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।